अध्याय 5 मानव संसाधन। किसी जगह कितने लोग रहते हैं इससे वहाँ की आबादी की गणना की जाती है। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे हमारे गांव की जनसंख्या 675 है, अथवा रायपुर ज़िले की आबादी बस्तर ज़िले से अधिक है, आदि आदि। अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि इनमें किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का ज़रूर जिक्र किया जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहां की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसके कार्य कुशलता से कोई ना कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो। किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, वह हर साल किस दर में बढ़ या घट रही है, लोग वहां औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, उसमें महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात क्या है, उनमें उत्पादकों, काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है, उनमें नगरों में निवास करने वाले और गांव में रहने वालों का अनुपात क्या है, उनमें साक्षर कितने हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं, उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं। यह सब जानकारी हमें कहाँ और कैसे मिलती है? आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गिनती। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी। जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं, इत्यादि ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी के घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण करते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। देश की आबादी की क्षमता और जरूरतों को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की जरूरत होती है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना जरूरी होता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं।